हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल डिवाइस पर। फ्रेंड्स, आज हम आपके सामने लेके आए हैं हाइड्रोलिक सर्किट, जिसमें कि हम हाइड्रोलिक सर्किट के कुछ नए कॉम्प्लिकेशन और उनके सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे, उनके बारे में सीखने की कोशिश करेंगे। फ्रेंड्स, अभी तक हमने जो भी बेसिक हाइड्रोलिक्स के सर्किट देखे हैं, तो उनमें जनरली हमारे जो बेसिक कॉम्पोनेंट्स होते हैं, पंप, फिल्टर, पीआरवी, डीसीवी, ये सब यूज होते हैं और डायरेक्ट वो एक्चुएटर्स कनेक्ट होते हैं, और हमको सिर्फ ऑयल का फ्लो कैसा होता है या फ्लो कैसे एक्सचेंज होता है उसका हमने अभी तक सर्किट सीखा है। अब उन सर्किट्स में जो एडवांस सर्किट होते हैं, जो कि इंडस्ट्रीज वगैरह में यूज होते हैं मैक्सिमम, तो उनमें क्या है कि ऐसा क्या हमको नीड होता है उसमें कि हमें बहुत सारे एडवांस वॉल्स और कॉम्प्लिकेटेड वॉल्स में फिट करने की जरूरत होती है, क्या कॉम्प्लिकेशंस आते हैं उसमें, क्या प्रॉब्लम्स आती हैं उसके वर्किंग में, तो वो हम समझेंगे पहले, फिर हम उनको सॉल्यूशन के लिए किस तरीके के वॉल कहाँ पर यूज किए जाते हैं वो धीरे धीरे हम आगे एक एक वीडियो में वो सारे प्रॉब्लम्स को हम बात करेंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे और उसके सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। तो इसी सीरीज में हमारा पहला वीडियो है, तो इसमें देखिए जैसे कि हम सबसे पहले इसमें आपको सारे कंपोनेंट्स के बारे में बता देते हैं। वैसे तो आप लोगों ने बेसिक हाइड्रोलिक्स के जो वीडियोस देखे उनमें आपको सारे कंपोनेंट्स क्लियर हो जाएंगे सिर्फ वॉल देख करके, बट एक बार फिर भी हम यहाँ पर क्लियर कर देते हैं। देखिए यहाँ पर ये टैंक है हमारा, उसके ऊपर ये पंप यहाँ से सक करता है, उसके बाद ये एनआरवी है, एनआरवी के ऊपर देखिए एक लूप लेकर के जो लाइन लगा हुआ है, इसके बाद ये पीआरवी लगा है हमारा, देन उसके ऊपर फिल्टर, प्रेशर गेज, डीसीवी, फिर डीसीवी से सीधे लाइन जा रही है। अब देखिए जो हमारी ये जा रही है हाइड्रोलिक सिलेंडर, अब यहाँ पर जो हमारा ये जो पार्ट है हमारा, ये इस वीडियो में हमारा जो प्रॉब्लम का सोल्यूशन वाला पार्ट है। आप एज्यूम करिए कि अगर ये ना डायरेक्ट ये जो हमारी जो लाइन है लूप होकर के दोनों सिलेंडर में जाकर के कनेक्ट हो रही है, उस कंडीशन में क्या होगा, हमारा पंप रन होगा, ऑयल सक करेगा, एनआरवी को पुश करके फिल्टर से होते हुए डीसीवी तक जाएगा, बट अभी कोई कमांड नहीं, क्लोज सेंटर है, तो हमारा ऑयल प्रेशराइज होगा और ये जो रिफॉल का हमारा जो भी सेटिंग है, सपोज करिए 200 बार यहाँ पर सेटिंग है, यहाँ पर 200 बार हमारा सेटिंग है, तो जैसे ही हमारा ये यहाँ से यहाँ तक कि जो सर्किट है हमारा उसमें जो 200 बार का प्रेशर जैसे ही रीच करेगा, ये हमारा रिलीफ वॉल्व से रिलीज हो जाएगा, तो ये हमारे सेफ्टी डिवाइस भी है। तो अभी देखिए, अब जैसे ही हमारा कमांड आया, कमांड आने में हमको क्या है, सपोज करिए ये वाला साइड एक्टिवेट हुआ, ये वाला साइड एक्टिवेट होने पर हमारा ये जो प्रेशर लाइन है हमारा, ये इस रेड वाला जो लाइन दिख रहे हैं आप, ये लाइन से हमारा कनेक्ट होगा और ये हमारा ए लाइन जा रहा है हमारा सिलेंडर के कैपेंड में। अभी सपोज करिए ये जो हमारा पीसीएफसी भी है, जो कि हमारा इस वीडियो में जो कॉम्प्लिकेशंस हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं हाइड्रोलिक का, उसका सॉल्यूशन वाला पार्ट है, अभी हम इसको बाद में समझेंगे, इसके बाद पहले हम प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करते हैं। तो ये हमारा डायरेक्ट कैपेंड में आया, अब अभी देखिए कि हमारे जो सिलेंडर है ये एक तरीके से मटेरियल कन्वेइंग बेड पे लगा हुआ है, तो जैसे दो सिलेंडर है हमारे, तो मतलब हमारे पास दो बेड है और दोनों पे अनइवन लोड है, सपोज करिए यहाँ पर 70 टन या 50 टन। अब देखिए जिस पे ज्यादा लोड होगा सीधी सी बात है उस पे ज्यादा रेजिस्टेंस होगा। अभी यहाँ पर जैसे ये लूप लाइन आने के बाद जो हमारा पी लाइन ए लाइन से कनेक्ट हो गई और देन डायरेक्ट ये आ गई हमारी कैप एंड में, कैप एंड में दोनों ही जो कैविटी फिल होने के बाद अब यहाँ पर प्रेशर जनरेट होगा, प्रेशर जनरेट हो रहा है, तो अब ये सबसे पहले देखिए मतलब हमें 70 टन है वहां पर रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, तो वो पहले मूव नहीं करेगा, पहले मूव करेगा 50 टन वाला, जब ये मूव हो करके एंड तक आ जाएगा तब तक ये हमारा जितना भी बेड हो, बेड पे जो भी मटेरियल होगा कन्वे हो रहा होगा वो पूरा डिस्चार्ज हो जाएगा, बट सेम टाइम में ये बेड अभी मूव होना स्टार्ट ही नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस ज्यादा है, जब तक हमारा एंड स्ट्रोक आएगा नहीं, यहाँ का प्रेशर पूरे सर्किट का बढ़ेगा नहीं, तब तक ये मूव नहीं होगा। तो ये है हमारा प्रॉब्लम, सेम टाइम पर दोनों बेड का मटेरियल डिस्चार्ज नहीं हो रहा, आउटपुट नहीं मिल रहा, तो उसके लिए आप देखिए हमने हमने इसके बारे में इस वॉल को यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं पीसीएफसी भी है। इसका मेन काम यह होता है कि जो भी हमारा रेजिस्टेंस है लोड है उसके अगेंस्ट में फ्लो कर, जहां पर लोड ज्यादा है वहां ज्यादा फ्लो, जहां पर लोड कम है वहां कम फ्लो, वैसे लिखा होगा हमारे दोनों एक्चुएटर्स एक तरीके से एक साथ वर्क करेंगे, एक साथ ही मूव होंगे और उसपे जो भी मटेरियल कन्वे हो रहा है वो एक जैसा इवन होगा। तो आप देखिए इसका वर्किंग समझ लीजिए, अब हमको हम इसको पिक्चर में लेकर के आते हैं।
उसमें क्या होगा, हमारा जो भी ए लाइन से जो भी हमारा प्रेशर आ रहा है तो वहां पर क्या हो रहा है, अब ये हमारा पीसीएफसीवी के थ्रू आया, तो पीसीएफसीवी में क्या होगा कि देखिए ये हमारे यहाँ पर फ्लो कंट्रोल आपको दिख रहा है एडजस्टेबल, और ये हमारा ये जो आपको दिख रहा है चेक वाल्व। तो जब हमारा इस तरफ फ्लो होगा एक्चुएटर की तरफ आएगा तो उसमें क्या होगा, हमारा यहाँ से आएगा तो अब जितना ये देखिए दोनों एडजस्टेबल है तो हमको इसको फाइन ट्यूनिंग करना पड़ेगा ड्यूरिंग कमीशनिंग, उस समय हम यहाँ पर जिस पे जितना लोड आ रहा है उसके हिसाब से इसको एडजस्ट करके रख देंगे। अब हमारा जैसे यहाँ पर हमारा ज्यादा लोड है, ज्यादा लोड चलता है तो हम इसको ज्यादा ओपन करके रखेंगे, इसको कम ओपन करके रखेंगे, उस समय पर क्या होगा कि कम ओपन करने से यहाँ पर कम फ्लो होगा यहाँ पर ज्यादा फ्लो होगा। तो ये हमारा इसका सिंप्लीफाइड व्यू है, इसका जो एडवांस जो डिटेल व्यू रहता है वॉल का वो भी हम आपके साथ आगे कुछ वीडियो में शेयर करेंगे, बट हम इसको सिंबल समझने की कोशिश करते हैं। तो ये हमारा यहाँ पर बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड क्वांटिटी में ऑयल फ्लो होगा, तो उसमें क्या होगा कि इवन फ्लो होने से हमारा जो भी एक्चुएटर है वो इवन यहाँ पर स्टार्ट होगा चलना और इवन मटेरियल डिस्चार्ज करेगा। तो हमारा ये प्रॉब्लम जैसे कि हमने आपको बताया कि अपनी प्रॉब्लम के बारे में हम बात करते हैं कुछ हाइड्रोलिस के कॉम्प्लिकेशन और उसके सॉल्यूशन के बारे में, तो ये जो हमने आपको पहले बताया कि अनइवन बेड स्लाइडिंग और अनइवन मटेरियल डिस्चार्ज का जो प्रॉब्लम था उसका उसको हमने ये पीसीएफसीवी से सॉल्व करने की कोशिश की, इस वीडियो में हमने आपको इसके बारे में बताया। तो आगे हम इसी सीरीज में और भी कुछ नए वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे जिसमें कुछ नए कॉम्प्लिकेशन और उसके सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। तो फ्रेंड्स हमारा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट करके बताइए और हमें सपोर्ट करिए, हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।